मेरा नाम विनेश श्रीवास्तव है और अपन क्या पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में अपन ने फर्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा की थी। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था मानव भूगोल की शाखाएं, मानव भूगोल का जनक, ठीक है ना, मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के उपक्षेत्र। इनमें से जो क्वेश्चन निकल के आता है या तो मानव भूगोल का क्षेत्र उपक्षेत्र पूछ लेता है वो, या फिर ज्यादातर ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें अपन ने उतने ही ऑब्जेक्टों की दृष्टि से फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मानव भूगोल पढ़ा था। उसमें अपन ने कुछ जनकों के बारे में भी देखा था कि मानव भूगोल का जनक कैसे कहा जाता। अपन ने पढ़ा था उसका फ्रेडरिक रेटजेल के लिए मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। उनकी अपन ने पुस्तक भी देखी थी एंथोपो ज्योग्राफी, उन्होंने क्या लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का प्रकाशन के बाद इन्हें क्या कहा जाने लगा था, मानव भूगोल का जनक कहा जाने लगा। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। वो सेकंड चैप्टर है वो है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। यहाँ से आपका चार पांच नंबर का क्वेश्चन आता है, पांच चार का एक क्वेश्चन आएगा और एक पांच नंबर की एक नंबर की ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ से अपन इसको करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो था वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए चैप्टर दिया था या इंट्रो दिया था उसमें। अब चैप्टर यहाँ से शुरू होता है कि जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। पहले हम इस चैप्टर का शाब्दिक अर्थ निकाल लें। हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें इसमें पढ़ना है कि विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है, विश्व की जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा किसमें है, उन महाद्वीपों में किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर उन महाद्वीपों को जमाना, उन देशों को विश्व के उन देशों पर भी चर्चा करेंगे हम इसमें जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। पहले हम जनसंख्या की डेफिनेशन जानें कि जनसंख्या क्या होता है, फिर वितरण के बारे में देखेंगे, फिर घनत्व के बारे में, फिर वृद्धि और कमी के बारे में देखेंगे। पहले चैप्टर का मतलब भी हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। पहले हम जनसंख्या की बात करते हैं। तो जनसंख्या क्या होती है, एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या। अब भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी में सपोज करो ये कोई क्षेत्र है जैसे कि भारत। अब इस भारत में जितने व्यक्ति पाए जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या। जनसंख्या की डेफिनेशन क्या होगी, एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या। एक निश्चित भूभाग में जो व्यक्ति रह रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या। शाब्दिक अर्थों में हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं वितरण की। आपको दिख रहा होगा या आप जानते होंगे कि जनसंख्या का जो वितरण का मतलब होता है यहां वहां कहीं जनसंख्या का रहना, ठीक है। अब बात करते हैं कि वितरण में और अच्छे से कैसे समझे कि जी अपना कोई भारत है और यहां अपन बना लेते हैं अमेरिका, कुछ अमेरिका महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप। तो आप देखेंगे कि जनसंख्या का वितरण, जो जनसंख्या पाई जाती है वो एक जगह नहीं पाई जाती, ये बात सही है। जनसंख्या एक जगह या एक स्थायी जगह नहीं रह सकती, वो कहां रहती है, हर जगह उसका सर्वत्र। आपको एक एग्जांपल ही बताऊंगा अभी से कि उसका मतलब सर्वत्र वितरण होता है। कहीं जनसंख्या ज्यादा, यहां सपोज करो ज्यादा जनसंख्या है, यहां क्या है, कम है। तो मतलब कम और ज्यादा दिख रहा है ना, वितरण तो दिख रहा है, जनसंख्या तो यहां भी है यहां भी है, लेकिन क्या है, सर्वत्र एक समान नहीं है। कुछ जनसंख्या कहीं कम है तो कहीं जनसंख्या ज्यादा है। इसी को हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या का सर्वत्र जगह पाया जाना या फैलाव, उसको हम क्या बोलते हैं, वितरण। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व की जैसे कि परिभाषा अपन बनाए, तो जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे, तो जनसंख्या घनत्व एक वर्ग किलोमीटर में या प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। बात समझ में आई, जनसंख्या किसकी बात चल रही है, घनत्व की। अभी इसको अपन सूत्रों के द्वारा माध्यम से भी देखें। ये क्या है, कोई क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है। अब इस भौगोलिक क्षेत्र में कितने व्यक्ति पाए जा रहे हैं,
मतलब एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति पाए जाएंगे उन व्यक्तियों का, मान लो कि ये एक वर्ग किलोमीटर है, अब इस एक वर्ग किलोमीटर में पांच व्यक्ति रह रहे हैं, तो इसका जनसंख्या घनत्व निकल के सामने क्या आया कि एक वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व कितना है, पांच। यहां तक क्लियर है कि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति पाए जाते हैं उन्हें हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कुछ विश्व में ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और कुछ भौगोलिक क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां जनसंख्या कमी है, उनका कारण क्या है वो अपने आगे चैप्टर में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं वृद्धि। देखें जनसंख्या का एक निश्चित समय अंतराल में वृद्धि होती है, एक निश्चित क्षेत्र में या एक निश्चित समय अंतराल के बाद यहाँ कुछ व्यक्ति रह रहे थे, अब वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या हो जाए जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, उसे क्या बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि, या जनसंख्या या तो धनात्मक वृद्धि होगी जनसंख्या में या फिर ऋणात्मक वृद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी, या तो जनसंख्या अपन ने कह लिया कि एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति होते हैं जनसंख्या कह सॉरी जनसंख्या किसे कहते हैं, भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली व्यक्तियों की संख्या को क्या बोलते हैं जनसंख्या। अब बात करते हैं किसकी वृद्धि, तो जनसंख्या कुछ भौगोलिक क्षेत्र की वृद्धि भी हो सकती है समय अंतराल के बाद, किसके बाद कुछ समय अंतराल के बाद, समय अंतराल जो वृद्धि होती है वो क्या होगी जनसंख्या में वृद्धि, या तो धनात्मक वृद्धि होगी या फिर ऋणात्मक वृद्धि होगी। जनसंख्या में वृद्धि या तो क्या होगी एक निश्चित समय अंतर जहां कोई जनसंख्या रह रही थी भौगोलिक क्षेत्र में, अब उस भौगोलिक क्षेत्र में क्या एक समय अंतराल के बाद या तो वृद्धि हो जाएगी जनसंख्या में या फिर क्या हो जाएगी कमी, तो क्या होती है दो प्रकार से होगी जनसंख्या में वृद्धि, या तो धनात्मक होगी या फिर क्या होगी ऋणात्मक होगी, या तो वहां की भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाएगी या उस भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाएगी। अब इस जैसे कि अब आपको इस चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि हमें इस चैप्टर में वाक्य में पढ़ना क्या है, जनसंख्या पढ़ना है, जनसंख्या का वितरण पढ़ना है, कौन से महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है, तो कौन सा महाद्वीप फर्स्ट नंबर पे आता है, कौन सा देश फर्स्ट नंबर पे आता है जनसंख्या के बारे में, घनत्व के बारे में कौन सा देश सबसे पहले है, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं, फिर वृद्धि कौन सी हो रही है जनसंख्या में, धनात्मक में वृद्धि हो रही है या फिर जनसंख्या में कमी हो रही है, इस चैप्टर के बारे में अपन को पढ़ना है। अब बात शुरू करते हैं चैप्टर। पहले जाना कि जनसंख्या जो गणना होती है, जनसंख्या आप सब जानते हैं 10 साल के बाद प्रति अपने भारत में जनसंख्या गणना होती है, जनसंख्या गणना के बाद ही हम निकाल सकते हैं कि जनसंख्या इस भारत देश की कितनी है, ऐसे ही विश्व में सबसे पहले जनसंख्या की गणना करने वाला देश कौन सा था, वो था 1749 में, कितने 1749 में यूरोप का एक देश था स्वीडन, इसने सबसे पहले क्या करवाई थी जनगणना करवाई थी, मतलब जनगणना के करवाने का सबसे पहले विश्व में जो देश निकल के आता है सामने वो कौन सा था स्वीडन, और स्वीडन किस महाद्वीप का हिस्सा था, वो था अपना यूरोप महाद्वीप, ठीक है। कब करवाई थी 1749 में करवाई, जनगणना कराने का विश्व में पहला देश था, जनगणना कराने वाला दुनिया का पहला देश जो कौन था स्वीडन था। अब बात करते हैं इसे, ये नहीं बोला हमने कि जनसंख्या कुछ समय अंतराल में करवाई, इसने जनसंख्या की गणना करवाई थी या जनसंख्या गणना करवाई थी, लेकिन जी नहीं करवाई थी जनसंख्या गणना, आप कितने समय के अंतराल में होना चाहिए जनगणना, 2 साल में हो, 5 साल में हो या फिर 10 साल में हो, जैसे कि भारत में होती है 10 साल में, तो ऐसे इसने कुछ वर्णन नहीं किया। दशकीय जनसंख्या गणाने वाला देश था, दशकीय जनगणना, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं इसलिए अपने चैप्टरों को भी याद रखना पड़ेगा। दशकीय जनगणना कराने वाला देश था वो था 1780 में, 1780 में किसने करवाई थी, अमेरिका, यूएसए, सब जानते हैं इसका नाम, कितने अंतराल में करवाई थी 10 साल, मतलब 10 साल के बाद फिर जनगणना हुई, फिर 10 साल के बाद फिर जनगणना हुई, फिर 10 साल के बाद, मतलब 10-10 साल के अंतराल में,
जो लिखा है 10 की एक अंतराल के बाद जनगणना कराने वाला देश कौन रहा, यूएसए। अब बात करते हैं विधिवत जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है, तो विधिवत जनगणना कराने का श्रेय जाता है अपना इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड ने कब करवाई थी, 1801। अब बात विधिवत नहीं बची हमें, क्या करें, ये तो ठीक है इसने जनगणना करवा ली, इसने 10 साल के अंतराल में जनगणना 10 की आधार रख दिया, तो इसने कैसे करवाई थी, विधिवत जनगणना करवाई थी। इसका मतलब ये है कि इसने 10 की तो करवाई थी लेकिन बीच में रुके कि नहीं रुके, कब करवाना है कि नहीं करवाना, 10 साल के अंतराल में करवाना है, इसकी अमेरिका की कहानी। लेकिन इसने विधिवत कराने का मतलब है कि हर 10 साल में जनगणना होना चाहिए, ऐसा करवाने वाला देश दुनिया का कौन सा था, और वो था अपना इंग्लैंड। कब करवाई थी, 1801 में, ठीक है ना। बात अब बात कर लेते हैं कुछ भारत के बारे में भी, कि भारत में जनगणना किसने करवाई सबसे पहले, या भारत में जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है, तो भारत में जनगणना कराने का श्रेय जाता है अपना भारत, दिख रहा है यहां से, सर्वप्रथम जनगणना किसने करवाई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासन काल में, इसके काल में ध्यान रखना अगले चैप्टर में काम आएगा, जब अपन मिस्र की जनसंख्या पढ़ना है, फैक्ट भूलो ना, इसलिए अपन क्या कर लेते हैं कुछ भारत से रिलेटेड करते चलते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी अपन को इसमें पढ़ना है, ये तो मिस्र की पढ़ना है, इसी के जस्ट लगा हुआ चैप्टर क्या पढ़ेंगे अपन, भारत की जनसंख्या। तो लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में सर्वप्रथम भारत में क्या करवाई गई, जनगणना करवाई गई। अब दूसरी बात आती है कि वैज्ञानिक तरीके से जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है, तो रिपन के लिए जाता है, वो कब करवाई थी, 1881 में, ठीक है ना, हर 10 साल के अंतराल में, या हम कह सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है, लॉर्ड रिपन के लिए जाता है। कब करवाई थी, तो 1881 में करवाई थी। यहां तक बात समझ में आ गई। स्वतंत्र भारत की कब हुई थी, 1951, जो अपन भारत के फैक्ट कुछ देख रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट निकल के आएगा अपना कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर 5 ऐसे देश बताओ जो सबसे ज्यादा जनसंख्या हो जिसपे, और जो सबसे कम हो, तो ऐसे सबसे कम नहीं निकाल सकते पर क्या इतने निकाल सकते, 5 देशों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखें सबसे ज्यादा जनसंख्या आप जानते हैं किसमें है, चीन में। पहला देश कौन सा है, देश पढ़ना है, महाद्वीपों के बारे में नहीं, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, देशों के बारे में, कि जनसंख्या सबसे ज्यादा किस देश में है और सबसे कम किस देश में है, ठीक है ना। पहला हो गया कौन सा अपना, चाइना। दूसरा है भारत। दूसरा कौन सा है, भारत। तीसरा कौन सा आएगा, यूएसए, सब जानते हैं अमेरिका, उसकी जनसंख्या तीसरे नंबर पे है। चौथा क्या है, इंडोनेशिया। पांचवा जो देश है वो है पाकिस्तान। ये 5 कंट्रीज आपको याद रखना पड़ेगी कि 5 जनसंख्या के, जनसंख्या की दृष्टि से 5 कौन कौन से देश हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या है। तो पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा चाइना, चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे अपन आते हैं भारत, तीसरे नंबर पर आता है यूएसए, चौथे नंबर पे आता है इंडोनेशिया, पांचवें नंबर पर आता है अपना पाकिस्तान, ठीक है। ये 5 जो कंट्री हैं वो हमें क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये 3 कौन से महाद्वीप के हिस्से हैं, 1, 2, 3 और 4, ये सब किसके हिस्से हैं, एशिया के। आपने 11th में भौतिक भूगोल में पढ़ा होगा एशिया महाद्वीप, भारत जो कि एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, चाइना भी क्या है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। क्षेत्रफल की बात भी कर लेते हैं, भारत के पास क्षेत्रफल कितना है,
विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवासित है, तो 19.5% जनसंख्या विश्व की किसके पास निवासित है? चाइना के पास। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसकी, ये तीनों एक दो तीन चार किस महाद्वीप के हिस्से हैं? एशिया महाद्वीप के। किस महाद्वीप के हिस्से हैं? एशिया महाद्वीप के देश हैं। तो एशिया महाद्वीप में क्या दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी? होगी। इसका कारण है, देखें एशिया महाद्वीप में अपन ऐसे भी पूछे कि किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवासित है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है, तो उसका क्वेश्चन अपन कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि जब चाइना एशिया में आ रहा है 19.5% जनसंख्या लिए हुए है, फिर बात क्या है भारत, भारत के पास कितने 17.5% है, यदि इन दोनों को भी अपन प्लस कर दें तो भी क्या किसके ऊपर पहुंच जाएंगे अपन, लगभग लगभग 50% से नीचे आ जाएंगे। अब इंडोनेशिया भी जो अपना हिस्सा है एशिया का, फिर पाकिस्तान भी है, ऐसे ऑल ओवर कह सकें तो एशिया की कुल जनसंख्या कितनी है 59%। यदि विश्व की जनसंख्या 100 है, कितनी है 100, तो एशिया में कितनी जनसंख्या रहती है 59%। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के बारे में बताइए, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण समझाइए, लेकिन जनसंख्या वितरण पड़ेगा तो वो कोई से भी महाद्वीप को उठा के अपन को दे सकता है, क्योंकि अपन किसकी जनसंख्या पढ़ रहे हैं? विश्व के बारे में। तो अपनी यहां तक अपन एशिया महाद्वीप के बारे में क्या लिखेंगे कि एशिया महाद्वीप में विश्व की कुल जनसंख्या का कितनी, विश्व की कुल जनसंख्या का 59% या 59% जनसंख्या क्या होती है, निवासित। जब इतनी जनसंख्या है तो सीधी बात है कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा हो, हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जनसंख्या घनत्व की अभी अपन ने डेफिनेशन क्या बनाई थी कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, जनसंख्या घनत्व होती है। आया जी क्या औसत है अपने पास, औसत ही ले सकते, इतनी जनसंख्या व्यक्ति याद नहीं कर सकता। एशिया में जो क्या हो गई औसत जनसंख्या है, औसत जनसंख्या हो गई 59%। कुछ और भी होती है, आपने 59 रख दो, एक्चुअल ध्यान रखना है आपने लिए, तो 59.7% जनसंख्या है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितना है। यदि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, एशिया में, वो कितना 148 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 148 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से रहते हैं, वो कौन सा महाद्वीप है अपना, एशिया महाद्वीप। अब बात कर कुछ एशिया महाद्वीप के बारे में अच्छे से चर्चा कर लेते हैं, जब आपको देश समझ में आ रहे होंगे। जैसे कि विश्व की जनसंख्या में पहला जो महाद्वीप दिया है अपनी बुकों में वो दिया है एशिया, कौन सा दिया है बच्चों, एशिया, सब जानते हैं एशिया, एशिया महाद्वीप। अब एशिया की हमने क्या बताया कि एशिया की कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 59.7% औसत है जनसंख्या विश्व की, अभी निकाल के बताया था कि यदि अपन कुछ देशों की याद रख ले तो 50% से ऊपर हो जाते हैं अपन, जैसे कि चाइना 19.5, भारत 17.5, ये विश्व की कुल जनसंख्या को हिस्सा लिए हुए हैं, यदि इन दोनों को जोड़ दे तो 50 के समथिंग पहुंच जाते हैं। कुछ और देश बचे, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और भी एशिया महाद्वीप में बहुत से देश आते हैं, उन सब देशों के लिए जनसंख्या को प्लस कर दिया जाए तो पूरी विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत हो जाती है, वो 59.7%। अब बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व के बारे में, इसके बारे में कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जनसंख्या जैसे कि अभी अपन ने यहां लिखा था कितना होता है, सबसे ज्यादा दुनिया में, विश्व के सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा कितना 148 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई, जनसंख्या के बारे में समझ में आ गया हमें, एशिया के बारे में।
हमें ये भी समझ में आ गया कि एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना है। अब बात करते हैं कि एशिया का, ठीक है, सभी जगह थोड़ी, पहले अपन ने बोला था वितरण, वितरण का मतलब जनसंख्या असमान पाया जाना, एक भौगोलिक क्षेत्र में कुछ जनसंख्या, दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में कुछ जनसंख्या, तो फिर है कितनी, सबसे ज्यादा एशिया के कौन से क्षेत्र में जनसंख्या है और सबसे कम किस क्षेत्र में है, ये भी तो होना चाहिए पता। बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है एशिया के, वो है दक्षिण पूर्वी एशिया वाले भागों में, कौन से भागों में, दक्षिण पूर्वी एशिया के भागों में क्या होती है जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सा एशिया हुआ, तो उसके लिए नक्शा नहीं है लेकिन अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, अपनी पृथ्वी, सब जानते हैं ये है विषुवत रेखा और ये है अपनी ये भूमध्य रेखा और ये हो जाएगी अपनी विषुवत रेखा और यहां कहीं है अपना भारत, ठीक है ना, ये भारत है, यहां जो महाद्वीप है इस महाद्वीप को क्या बोलते हैं अपन, एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप, इस वाले क्षेत्र को एशिया महाद्वीप बोलते हैं। दिशाएं आप सबको याद होंगी, जो उत्तर दिशा होती है, जो दक्षिण दिशा होती है और इस साइड क्या होती है, पूर्वी दिशा होती है और इस साइड क्या होती है, पश्चिमी दिशा होती है। जैसे कि मैंने क्या लिखा, दक्षिण पूर्वी मतलब कौन सा वाला भाग, ए वाला, ठीक है ना, ये दक्षिण पूर्वी, पूर्वी दक्षिण भी तो कह सकता था मैं, इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे अपन, उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, होते हैं आपने 11th में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ध्रुव का नाम पहले लिया जाता है, ऐसे नहीं कि आप पूरब इसको उल्टा पढ़ लो, पूरब दक्षिण पढ़ लो, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, मैंने कारण बताया उसका, क्योंकि पृथ्वी के कितने ध्रुव हैं, दो ध्रुव हैं, या तो उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव, तो इसमें कौन सा ध्रुव आ रहा है पहले, उत्तर तो नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया बोला ना, तो दक्षिण पूर्वी तो दक्षिण में एशिया चाहिए, तो दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब पहले ध्रुव का नाम दिया फिर दिशा का नाम दिया जाता है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है ना। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ जनसंख्या सबसे घनत्व कम किसमें है, सबसे जनसंख्या ज्यादा किसमें है, ये भी अपन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कभी कभार बन जाता है, सबसे जनसंख्या घनत्व किसमें है अपना, ऑस्ट्रेलिया में, किसमें है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सबने देखा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो जनसंख्या घनत्व है वो प्रति 5 वर्ग प्रति किलोमीटर है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया यहां पड़ेगा अपना, इस वाले क्षेत्र में क्या पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये पृथ्वी है, ग्लोब है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखना आप यहां पड़ेगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या लिखा अपन ने, ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या भी पता होना चाहिए, सबसे छोटा महाद्वीप है ये भी हम जानते हैं, सबसे बड़े की चर्चा कर ली, सबसे छोटे की, पर यूरोप की पढ़ाऊंगा आपको, दक्षिण अमेरिका की भी पढ़ाऊंगा, अफ्रीका की भी जनसंख्या देखेंगे अपन, पहले ऑस्ट्रेलिया की देख ले क्योंकि सबसे कम है। देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है वो क्या है, अपन ने औसत देखी थी, यदि पूरी दुनिया में 100 व्यक्ति हैं औसत, तो उसका 59.7% किसमें चलेगा, एशिया महाद्वीप में। अब क्या ऑस्ट्रेलिया में कितने बचे, ऑस्ट्रेलिया और भी महाद्वीप है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का 0.5% क्या है, जनसंख्या है इसमें, किसमें, ऑस्ट्रेलिया में, दिख रहा है यहां से 0.5% क्या है, जनसंख्या, यदि कुल व्यक्ति 100 है पूरी दुनिया में तो उनका 0.5% जनसंख्या कहां है, इस वाले महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब तो इसका जनसंख्या क्या होना चाहिए, घनत्व भी पता होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व कितना है,
तो जनसंख्या जो घनत्व है वो है 5 वर्ग प्रति किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 5 व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे छोटा महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आपसे पूछे तो वो कौन सा होगा, अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, इससे आगे पढ़ेंगे अपन अगली वीडियो में, अगली क्लास में देखते हैं इससे आगे और महाद्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे, यूरोप महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे, अफ्रीका के बारे में चर्चा करेंगे, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इनके इन देशों के बारे, इन महाद्वीपों के बारे में जनसंख्या कितनी कितनी है वो अपन आगे पढ़ेंगे।